हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कन्या माँ पूजन में जा रहे हैं और आज नवरात्रि का लास्ट डे है। सबको हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगी जो है कन्या माँ पूजन। ठीक है, मिलते हैं। अब हम निकल ही रहे हैं कन्या वहाँ जाने के लिए, तो मिलते हैं वहाँ पर। तूने मुझे बुलाया शेरावा लिए, मैं आया शेरावा लिए। पहुंच गए हैं। ये प्रोग्राम वाटिका में रखा गया है। हमारा ये श्री संस्थान ग्रुप है,
आज यहाँ पर 251 कन्याओं को भोजन कराया जाएगा। फिर इन कन्याओं के चरण कमल को जल से धोया जाएगा और इन कन्याओं की पूजा की जाएगी। सारी कन्याएं भोजन के लिए आ चुकी है, हम इनको भोजन करवा देते हैं। इसके बाद ही सारे प्रोग्राम होंगे। आज आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत ही पुण्य का काम है, ऐसा पुण्य हम रोज़ रोज़ नहीं करते। साल में दो बार ही हमें मौका मिलता है, एक तो शारदा नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जी, कन्याओं का भोजन हो गया है। वो पीछे वाले गार्डन में, वहाँ पर बाद में कक्षा का कार्यक्रम है, तो आप सब लोग पीछे वाले गार्डन में आ जाए। अतिथि महानुभाव अपने स्थान को विराजन है। आप अपना स्थान ग्रहण करें और देखिए मंच पर कितनी सारी कन्याएं एक साथ हमारे बीच में पूजन एक साथ करने को। ये अति दुर्लभ दर्शन का लाभ हम सभी को मिल रहा है श्री संस्थान राजसमंद द्वारा। अपने गले लगाया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, हो जोता वालिए पहाड़ा वालिए और मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ये लो प्रसिद्ध विश्वेश्वर हि विश्वम् त्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य।
मातृशक्ति को नमन वंदन करते हुए आज श्री संस्थान के द्वारा कन्या पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी अतिथि महानुभाव और पधारे हुए सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि और नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। ये इस जन्म में भोग और परलोक में मोक्ष, जिनके पास में थाली रखी हुई है उनसे निवेदन करता हूँ कि सामग्रियाँ, हाँ आप यथा योग्य जो लेनी है वो ले लीजिए। और दैन्य हाथ की अतिल माँ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात पुण्डरीकाक्षः पुनात। अब तीन बार चम्मच से आपको जल पीना है। ओम मंत्र के साथ ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा पिजये, ओम अमृता पिदानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेताम स्वाहा। पुनः बाएं हाथ की हथेली में जल लीजिए और दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला करके अपने सिर पर चोटी के स्थान पर गीली अंगुलियों का स्पर्श करते हैं, मस्तक का वंदन करते हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरु श्रमेह। हाथ नीचे कर ले, जल नीचे छोड़ दीजिए। प्राणायाम, कमर सीधी करें और दोनों हाथ गोद में रखें और गहरी सांस खींचना है, थोड़ी देर रोकना है और धीरे धीरे बाहर निकालना है। सांस खींचे तो भावना कीजिए कि भगवती जगदम्बा की चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, और सांस बाहर निकाले तो भावना कीजिए कि हमारे अंदर के दुर्गुण, हमारे अंदर की कमजोरियां, हमारे अंदर के पाप, ये सभी बाहर निकल करके इस वातावरण से दूर जा रहे हैं। ओम स्वाह, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपूजो कीरतो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, पुनः बाएं हाथ की हथेली में एक एक चम्मच जल लीजिए और दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला करके जिस अंग के लिए कहें उस अंग को बाएं से दाहिनी तरफ स्पर्श करते हुए चलें। ओम वांग में आशेष तो मुख को स्पर्श करें, ओम नसोर में प्राणों को, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरोस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु दोनों कानों को, ओम बहावोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वर में ओजोस्तु दोनों जंगाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनु तनवा में स्वतंतु समस्त शरीर के ऊपर छिड़क दीजिए। अब पृथ्वी पूजन, हम एक एक चम्मच जल धरती माता पर डालिए और इसको स्पर्श करके प्रणाम करें। हे धरती माता, तू जितनी सहनशील है वैसी सहनशील हमको भी बनाना। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चातनम्। तिलक लगाएं, एक बार स्वयं के लगाएं, उसके बाद में कन्याओं के तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां भरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कन्याओं को लंबा तिलक करें। तिलक और ये कलावा भी बांधा जाता है। सभी कन्याओं के राइट हैंड में, दाहिने हाथ में कलावे बांधे जाते हैं और सजवा बहने एक बार अपने बाएं हाथ में कलावा एक दूसरे से बंधवा लीजिए। कन्याओं का पूजन चार पूजन के प्रकरण से होगा। मैं चाहता हूं कि ये जो पूजन करने वाली हैं वो पहले अपने हाथ में कलावा बंधवा लें, अपने बाएं हाथ के बंधवाएं, जो सदवा देने हैं वो अपने बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के बंधवाएं, और कन्याओं के राइट हैंड के बांधा जाता है वो बाद में बंधेगा, पहले अपने हाथ के बांधे। ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा आपनोति श्रद्धया सत्यम माप्यते हे
येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वं प्रति बध्नामि रक्षे माचल माचल। अब कन्याओं का पूजन किया जाता है। अगर व्यवस्थित रूप से, मुझे मालूम नहीं कि ये प्रतीक रूप में उन्हीं कन्याओं का कर रहे हैं, ये हमारे इधर कन्याओं की तरफ कोई देख रही नहीं है, तो कैसे क्या करना है, मतलब एक का कर है, एक लाइन है, तो कृपया ये सब ये अपने लाइन के हिसाब से अपनी पोजीशन ले ले, अपनी थाली लेकर के इधर पधार जाए। हाँ, ये सभी बहने अब आप के दर्शन। जय माता दी, 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 जय श्री रानी की जय, शेरावालिए तूने मुझे बुलाया, शेरावालिए मैं आया शेरावालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए। मेरे मोबाइल में स्टोरेज एकदम फुल हो गई थी, इसलिए आज के आगे का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, तो एकदम से स्टॉप हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।